हेलो फ्रेंड्स, इक्विटी कमोडिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस ने जो स्टील के इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया है उसका इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो कितना निगेटिव होगा, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे जीरोधा में तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको फ्री एडवाइजरी टेक्निकल टिप्स मिलेगा, हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे, हम आपको फ्री ट्यूटोरियल ऑफ गाइड देंगे जो कि जीरोधा के द्वारा एक प्रोवाइड किया गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिसका आप यूज करके कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी तो आप हमारे व्हाट्सअप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक आते हैं। यूएसए ने जो स्टील के इंपोर्ट पे 20% का टैरिफ लगाया है, इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर काफ़ी इंक्रीज हो गया। इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि यूएसए में जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और इंडियन स्टील इंडस्ट्री टोटल अभी $500 मिलियन पर ईयर यूएसए को एक्सपोर्ट करती है। अगर ये परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो ये काफ़ी कम है। यूएसए के द्वारा जो टोटल स्टील इम्पोर्ट किया जाता है उसका सिर्फ 2.4% इंडिया से ही आता है, तो यहाँ पे कुछ हद तक रिलीफ वाली बात है। अगर ट्रेड वॉर एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता है तो इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना जो कंटिन्यूअसली अपना स्टील का प्रोडक्शन कट कर रहा है उससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ मिलेगा। चाइना अपना पॉल्यूशन लेवल कम करने के मिशन को लेकर बहुत सारे सेक्टर में प्रोडक्शन कट किया है, और उसी मिशन के कारण चाइना ने स्टील का भी प्रोडक्शन कट किया है। एज ए रिजल्ट चाइना जो स्टील एक्सपोर्ट करता है उसमें काफी गिरावट या डाउनफॉल देखने को आया है, और ये 2018 में भी ये चीज कंटिन्यू रहेगा। अगर हम 2018 की बात करें तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है चाइना अपना स्टील एक्सपोर्ट 10% तक और कम करेगा, इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, प्राइस में सपोर्ट मिलेगा। और कुछ डोमेस्टिकली पॉजिटिव चीज भी है, कंटिन्यूस स्टील का जो डिमांड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में ये डिमांड 4% इंक्रीज हुआ है, और 2019 में ये 6% इंक्रीज होगा। तो ये सारे डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो लाया गया उसके कारण से स्टील का डिमांड वो इंक्रीज हुआ, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिकवरी आया तो वहां से भी स्टील का डिमांड में काफी हद तक इम्प्रूव आया है, और जो ऑटो सेक्टर में बाउंस आया है वो भी स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी हद तक एक डिमांड लेके आया है, अच्छा खासा डिमांड लेके आया। तो ये सारे चीज डोमेस्टिक फैक्टर्स वो भी स्टील के प्राइस को सपोर्ट करेंगे, और इंडियन स्टील प्राइस जो कि है वो ग्लोबली प्राइस से मैच कर गई है, तो इससे भी स्टील इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स देखते हुए अगर ये ट्रेड वॉर एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता है तो इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अभी भी इंडियन स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट करें तो इस सेक्टर से भी कमाई का मौका हमें मिल सकता है, बट हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। सबसे पहले हमारे हॉट पिक्स है जिंदल स्टील एंड पावर एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो सबसे पहले हम जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में बात करते हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर का डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है, बोथ स्टील और पावर सेक्टर दोनों में इसका डोमेस्टिकली बिजनेस काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण से इसका अर्निंग में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अगर ट्रेड वॉर एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गया तो जिंदल स्टील एंड पावर में ज्यादा इंपैक्ट या इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी करंट प्राइस 216 है, और इसका टारगेट प्राइस 2018 में है 250, और 2019 की बात करें तो इसका टारगेट प्राइस है 360 रुपीज़। ट्रेड वॉर पर हमें नज़र बनाए रखना होगा, अगर ट्रेड वॉर ज़्यादा एस्केलेट या फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाता है हमें इससे बच के रहना होगा, क्योंकि इसका प्राइस बिलो 200 भी जा सकता है। अब हमारी जो दूसरी हॉट पिक्स है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो जेएसडब्ल्यू भी अब डोमेस्टिक फ्रंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इसके कारण से इसके अर्निंग्स में भी इंप्रूवमेंट हुए, और अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होने के और भी कारण है इसके डोमेस्टिकली डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, और जो डोमेस्टिक स्टील का प्राइस इंक्रीज हुआ वो भी इसके अर्निंग को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। इसकी हम करंट प्राइस की बात करें तो 286 है, और 2018 में इसका टारगेट प्राइस है 350, और 2019 की बात करें तो इसका टारगेट प्राइस है 450 रुपीज़। तो ये दो हमारे हॉट पिक्स हैं, इसके अलावा और भी देख लेते हैं इस सेक्टर में जो ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगली है सेल। तो इसका करंट प्राइस है 70, और ये हमारा टारगेट प्राइस है 2019 तक 110 रुपीज़ का, और इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इसका 14 मिलियन टन से इंक्रीज होकर 21.4 मिलियन टन तक हो गया, और ये अपना मॉडर्नाइजेशन पे एक्शन प्लान कंप्लीट कर रही है, मॉडर्नाइजेशन पे वर्क कर रही है। ये मॉडर्नाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहां से भी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इसका जो है ट्रेड वॉर से इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगला है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो है रिसेंटली अपना ओडिशा में एक प्लांट सेटअप किया था, और इसका प्लांट सेटअप करने का व्यू है जो वो अपना स्टील प्रोड्यूस करेगा, और स्टील जो प्रोड्यूस करेगा वो साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करने का है।
और टाटा स्टील का जो इंटरनेशनल फ्रंट पे एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो इस चीज को देखते हुए स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करना काफी रिस्की है। ट्रेड वॉर से किसी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो टाटा स्टील पे पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो करंट प्राइस है 580 है, इसलिए इसमें हमने टारगेट प्राइस 2018 और 19 का कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसमें अभी इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा रिस्की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।